हाय एवरीवन तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही हॉरेबल इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी जो कि मेरे साथ हुआ एक सब्सक्राइबर की वजह से ठीक है मैंने बहुत सोचा ये वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ फिर मुझे लगा कि एक बार ये वीडियो बना देती हूँ ताकि यू नो you know, बाकी लोगों को भी इससे थोड़ी सीख मिले और बाकी लोग वैसा ना करें तो एक सब्सक्राइबर था जिसकी वजह से मुझे इतनी दिक्कत हुई ही ऑलमोस्ट हरास्ड मी ठीक है हुआ क्या था कि आ, वो मेरे हर वीडियो पे हर हर जगह कमेंट करता होगा तो मेरी मैं जब कमेंट अभी तो मैं कमेंट उतने पढ़ती नहीं हूँ जब मैं कमेंट पढ़ती थी तो मैं हार्ट मतलब जो लाइक करने वाला वो होता है ना तो वो मैं लाइक कर देती थी उनके कमेंट पे और शायद मैंने आठ दस बार या अगर आप सौ जगह कॉमेंट कर रहे हो और मुझे डेढ़ सौ दिख रहे हैं और इतने लंबे लंबे चिट्ठे लिख रहे हो तो ठीक है अगर आपने अच्छा कॉमेंट करा है तो मैंने भी उसको लाइक कर दिया तो उस बंदे ने क्या सोचा कि आई एम इन लव विथ हिम और उसने सोचा कि मैं उसके कमेंट लाइक कर रही हूँ तो मतलब मैं उसको बड़ा पसंद करती हूँ तो उन्होंने क्या करा पहली बात तो मैं इस चीज़ से अब इतना ज़्यादा जब से ये इंसिडेंट हुआ है इतना ज़्यादा घबरा गई हूँ कि मैं बाहर जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो मैं ये ज़रूर इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं अपनी लोकेशन ना शेयर करूँ बाहर का कोई पिक्चर ना डाल दूँ कि कोई मुझे फॉलो करता चला आए है ना तो ये सब चीज़ें मैं बहुत अब ध्यान में रखने लगी हूँ शुरू से शुरू करते हैं थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट आप लोग के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कोई भी सब्सक्राइबर यार कैसे हरास कर सकता है किसी को मेंटली ठीक है ना मैं बताती हूं कि हुआ क्या था कि मेरी एक फ्रेंड है ठीक है अभी मैं यहाँ पे उसका नाम नहीं लूंगी अदरवाइज आधे लोग जाके वहां उसको ढूंढने लगेंगे मेरी एक फ्रेंड है उसका पब्लिक अकाउंट है तो अपने पब्लिक अकाउंट पे वो एक्चुअली योगा वोगा सिखाती है तो अपने पब्लिक अकाउंट पे उसने अपना नंबर और अपना एड्रेस डाला हुआ था क्योंकि मेरा नंबर और मेरा एड्रेस तो नहीं है कहीं पर तो उसने अपना एड्रेस अपना नंबर डाला हुआ था और मैं उसके साथ कभी कभार वीडियो बना बनाती हूँ और कहीं हम लोग इधर उधर जाते हैं तो पिक्चर शेयर करते हैं वो पिक्चर्स वीडियो उसके उसके प्रोफाइल में भी दिखती है और मेरे प्रोफाइल में भी दिखती है ठीक है तो हुआ क्या था कि वो सब्सक्राइबर आई डोंट नो गुजरात से कि पता नहीं कहाँ से वो आए और आ, उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे और उन्होंने वो गिफ्ट्स उस जो मेरी फ्रेंड है उसके घर चले गए डायरेक्ट वो गिफ्ट्स लेके अब उसके घर चले गए डायरेक्ट गिफ्ट्स लेके और उसको बोल रहे हैं कि मेरे को बुष्टर जी से मिलना है मुझे मिलवा दीजिए मैं बहुत दूर से आया हूँ गुजरात से आया हूँ तो यहाँ से आया हूँ वहां से और पहली बात तो मैंने आपको बुलाया ही नहीं है ठीक है अगर मैं बोलूँ किसी को कि मेरे से मिलने के लिए आइए तो आप प्लीज आइए जब मैंने आपको बुलाया ही नहीं है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं उतनी दूर से आया था आप तो मुझसे मिली ही नहीं आपको तो एटीट्यूड है फलाना ढमा है ना तो आप ये नहीं बोल सकते हो क्योंकि मैंने आपको नहीं बुलाया था तो वहां जाकर उन्होंने बोला कि नहीं मुझे तो वहाँ से कोई गार्ड या कोई निकला होगा तो नहीं मुझे मिलना है मुझे प्लीज मिलवा दीजिए उनसे अब जाहिर सी बात है मैं उसके घर पर नहीं रहती हूँ मैं अपने घर पर रहती हूँ तो उन्होंने वो गिफ्ट लाए थे और उन्होंने वो गिफ्ट उसके वहां रख दिए जब ये बात ये पहला इंसिडेंट है जब ये बात मुझे पता चली कि यार कोई उतनी दूर से आया है मेरे लिए गिफ्ट लाया है गिफ्ट की बात थी ही नहीं तो उसने मुझे बताया मतलब मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि मतलब वो मेरे से छोटी है तो उसने मुझे बताया कि दीदी ऐसा ऐसा कोई आया है आपके लिए गिफ्ट लाया आपसे मिलना चाह रहा है तो स्ट्रेट अवे मैंने बोला कि ठीक है अगर वो गिफ्ट दे के गया है तो रख लो अदरवाइज मैं नहीं मिल सकती हूँ मैंने ये डायरेक्ट बोला था कि मैं नहीं मिल सकती हूँ ठीक है क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कौन कहाँ से आया है और ना मैंने आपको बुलाया मैं मिलने ऐसे कैसे मुँह उठा के मैं किसी से भी मिलने जा सकती हूँ है ना तो मैंने मना कर दिया मैं मिलने नहीं गई वो गिफ्ट जो वो गिफ्ट लाए थे मुझे अभी तक नहीं पता वो गिफ्ट अभी तक वहीं उसके घर पे रखे हुए हैं इस बात को सात आठ महीने हो चुके हैं मैंने अभी तक वो गिफ्ट भी नहीं लिए हैं ठीक है कोई अगर ये बोले कि आपने तो गिफ्ट ले लिए मैडम उससे मिली नहीं नहीं मैंने मना करा था गिफ्ट्स के लिए जब वो जबरदस्ती वहां छोड़ के चले गए तो मैंने सोचा कि अब छोड़ के चले गए तो मैं उसको कहाँ कहा भिजवाऊ गिफ्ट को मेरे पास कुछ नहीं है एड्रेस नहीं है कुछ नहीं है तो वहां रख के चले गए अभी भी वहीं रखे हुए हैं मैंने वो गिफ्ट उसके घर से लिए ही नहीं जबकि वो मुझे दस बार बोल चुकी दीदी गिफ्ट ले लीजिए ये ले लीजिए वो दे दीजिए ये इंसिडेंट खत्म हो गया कट टू दो तीन महीने बाद फिर यही चीज होती है दो तीन महीने बाद वो फिर गिफ्ट का पिटारा लेके वहां उसके घर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे बुष्टा दीदी से बुझे, मुझे सॉरी मुझे बुष्टा से मिलवा दीजिए मुझे उनसे मिलना है मैं बहुत दूर से आया हूँ फलाना नमा का अब एक बार जब आप बिना मिले लौट गए आप दोबारा आए हैं वो भी गिफ्ट लेके और वो भी बिना मेरे आ, मैंने नहीं बोला आने के लिए और आप फिर वही काम कर रहे हैं फिर वही पहुंचे वो और फिर बोलने लगे कि मुझे बुस्टर से मिलवा दीजिए ये वो फलाना और वो फिर गिफ्ट लेकर आए इस बार मैंने मना कर दिया मेरी फ्रेंड से कि उनको बोलो कि वो जाए और मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए ठीक है मैंने मना कर दिया स्ट्रेट अवे मना कर दिया क्योंकि ऐसे नहीं है ना कि आप गिफ्ट लेकर आओ और बोलो मैं ऑब्वियसली आपके इमोशंस की कदर करती हूँ ठीक है गिफ्ट की भी मैं कदर करती हूँ बट इट डजेंट वर्क लाइक दैट मैं uh, एक अब मैं यहाँ पे सिंपती कार्ड या वुमेन कार्ड नहीं प्ले कर रही हूँ मुझे डर लगता है लोगों से मिलने में मैं ऐसे कैसे किसी से भी मिलने जा सकती हूँ आपने अगर कोई और अगर मेरा सब्सक्राइबर भी नहीं हो कोई अनजान हो तो मैं उससे भी ऐसे मिलने नहीं जा सकती हूँ तो फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं आ, उसको बोल दो कि वो जाए अपनी गिफ्ट भी लेकर जाए मुझे नहीं चाहिए वो वहाँ से चले गए उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब अपनी क्लास ले रही थी ना अन अकेडमी में तो क्लास लेने के लिए मैं जाया करती थी स्टूडियो तो वो स्टूडियो मैंने कभी किसी वीडियो में उस स्टूडियो के बाहर का लोकेशन दिखा रखा था अब मैं वहां पहुंची हूँ क्लास ले रही हूँ अंदर में क्लास ले रही हूँ और वो उस स्टूडियो से बिल्कुल थोड़ी सी ही जगह पर वो खड़े थे मतलब उस स्टूडियो के आसपास ही वो खड़े थे और फिर मैं वहाँ क्लास ले रही हूँ क्लास लाइव चलती थी मेरी और वो उसमें लिख रहे हैं कि मैंने ये जगह देखी है बरकास देखा है ये देखा है वो देखा है और मुझे पता था कि वो वो जो लोकेशन वो बता रहे हैं वो मेरे स्टूडियो के बिल्कुल बगल में तो मेरे को एकदम ऐसे डर लगने लगा कि मैं क्या करूँ अब देखो ऑब्वियसली मैं अभी इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ ना ही मेरे पास उतने पैसे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं कोई गार्ड बॉडी गार्ड या कोई ऐसा कोई सेक्रेटरी लेके चल रही हूँ जो मेरे को बचाने आ जाएगा बॉडी गार्ड लेके चल मैं अकेले ही चलती हूँ ऑब्वियसली मैं पब्लिक uh, ट्रांसपोर्ट में नहीं जाती हूँ ठीक है बहुत अपना सेफ्टी से चलती हूँ तो जब मुझे पता चला और मैं क्लास ले रही हूँ और वो लाइव कमेंट लिख रहे हैं कि मैंने ये देखा मैंने वो देखा आपके स्टूडियो के बाहर ये है वो है और मैं क्लास ले रही हूँ मेरा क्लास में दिमाग खराब हो गया एंड वो एंड इट वॉज ऑन ऑन अन अकेडमी और ऑब्वियसली मैं क्लास को बंद नहीं कर सकती थी मैं वहां पे लाइव कमेंट देख रही हूँ और मैं क्लास भी ले रही हूँ और मेरे अंदर अंदर ये हो रहा है यार यहाँ भी चला है ये वो मुझे अब पहले मुझे गुस्सा आ रहा था जब पहले उन्होंने दो बार हरकत करी और अब मुझे डर लगने लगा था मुझे डर लगने लगा था यार मुझे नहीं मालूम कि आप आप किस इंटेंशन से आए हैं ना मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करने के लिए आए हैं आई डोंट नो यू आप मुझे देखते हैं तो शायद आप मेरा थोड़ा बहुत नेचर जानते हैं आपने मेरी हजारों वीडियो देख देख रखी है मैं आपको नहीं जानती हूँ तो मुझे तो डर लगेगा ऑब्वियसली एंड बींग अ गर्ल जो आजकल हम सुनते हैं यहाँ पे ये यह हो गया वहाँ पे ना तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था और मुझे समझ नहीं आया उस मोमेंट पे क्या करना है और ये बात भी ये इंसिडेंट के बारे में खुल के मैं आज ही बता रही हूँ सबको बाकी इसके बारे में किसी को नहीं पता है मेरी जो फ्रेंड है उसको पता है थोड़ा बहुत मेरे घर वालों को पता है इतना डिटेल में नहीं पता है मेरे घर वालों को भी तो उनको भी ये अभी ही पता चलेगा तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद जब ये चीज़ हुई तो फिर मैंने मुझे समझ नहीं आया क्या करना है एंड उसके बाद और मैं अपने घर वालों को ऑब्वियसली परेशान नहीं करना चाहती थी ठीक है तो मैंने सोचा कि आई विल हैव टू डील विथ इट तो उसके बाद जब वो जब मेरी क्लास ख़त्म हुई तो मैंने पहला कॉल लगाया अपने एक फ्रेंड को मैंने बोला कि तुम इस न, इस नंबर क्योंकि वैशाली को वो अपने नंबर से मैसेज करे जा रहे थे उसकी पर्सनल यार उसके पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करे जा रहे थे लंबे चौड़े कि मेरे को बुशरा जी से मिला दीजिए फलाना धमाका तो उनका नंबर मेरे पास आ चुका था वैशाली के थ्रू तो जो है फिर क्या हुआ कि फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाया और बोला कि तुम इनसे बात करो भाई और उनको बोलो कि अगर ये नहीं जाते हैं तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी क्योंकि दिस इज स्ट्रेट अवे हरासमेंट आप किसी को ऐसे हरास नहीं कर सकते हो आपको अगर मेरे से मिलना है तो पहली बात अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं मिलूंगी तो आप आओ गुजरात से चाहे लंदन से अगर मैंने आपको नहीं बुलाया है तो आप बिल्कुल भी मत आइए मैं बिल्कुल भी नहीं मिलूंगी ये एक्सपेक्टेशन के साथ आप मत आइए कि आप बहुत दूर से आएंगे और आप गिफ्ट लेकर आएंगे तो मैं आपसे मिलने के लिए चली आऊंगी बिल्कुल भी नहीं आऊंगी अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें मैं मीटअप करती हूँ या कुछ करती हूँ तो आप डेफिनेटली आइए मेरे से मिलने ले। लेकिन ऐसे आप कहीं से भी नहीं आ सकते और ऐसे आप जबरदस्ती किसी के साथ भी नहीं कर सकते ठीक है कि नहीं मेरे को मिलना ही है मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ गिफ्ट ले गिफ लें ले, ये वो फलाना ऐसे आप मेरे स्टूडियो के बाहर नहीं पहुँच सकते ये ये हरासमेंट में आता है आप समझ रहे हैं दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग और एक और इंसिडेंट हुआ था कि एक बंदा जो था मेरी कोचिंग के बाहर पहुँच गया था एंड ही वॉज लाइक कि हम आपसे मिलना है मैं हमें कैब में, में बैठने जा रही थी और वो और दो तीन लोग और मेरी कोचिंग के बाहर पहुंच गए थे लड़के ही लड़के थे और रात का सात आठ का सात आठ बज रहे थे एंड दे व लाइक कि हमें आपसे मिलना है हमें आपसे मिलना और मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि वहां पे कोई थानी कोचिंग बंद होने जा रही थी तो पहली बात तो यह है कि एक तरीका होता है अगर आपको अगर मैं आपको कहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी मॉल में या कहीं रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो दे आर वेरी स्वीट कि चलो ठीक है फोटो क्लिक करा लेते हैं या जो भी बट आप ऐसे किसी को यू नो you know, हरास नहीं कर सकते आप किसी के साथ ऐसे ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मैं उतनी दूर से आया हूं तो आपको मेरे से मिलना ही पड़ेगा आप कितनी भी दूर से आओ लेकिन अगर मैंने आपको बुलाया नहीं है तो मैं आपसे नहीं मिलूंगी ये चीज़ बहुत ख़राब है और मुझे उस समय आ, बहुत ही बेकार फील हुआ था और मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था और अब की बार आइंदा से ये मेरी वीडियो में मना दे रही हूँ अब की बार आइंदा से अगर ऐसे कोई भी कुछ भी करेगा तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी ठीक है क्योंकि मैं अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सेफ्टी ना अपनी सेफ्टी के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं तो यही चीज़ थी ये इंसिडेंट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था और या मुझे नहीं पता आगे क्या बोलना है क्योंकि आ, सच में इस चीज से मुझे बहुत हरासमेंट हुई है और बस इतना ही है बाय